नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के डेली करंट अफेयर्स शो में, जिसमें हम रूबरू होते हैं देश और दुनिया के तमाम वो खबरें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनवंतरी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल ही में असम राज्य सरकार ने घर घर दवाइयों की आपूर्ति के लिए, घर घर तक दवाइयों की पहुंच बनाने के लिए धनवंतरी योजना प्रारंभ की है असम राज्य सरकार ने। असम पर नजर डालते हैं दोस्तों। असम की राजधानी है दिसपुर, सीएम है यहाँ पे श्री सर्वानंद सोनोवाल, गवर्नर है श्री जगदीश मुखी। असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कामाख्या देवी शक्तिपीठ बेहद प्रसिद्ध है, जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। असम में काजीरंगा तथा मानस जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे डिब्रू सखोवा, नमेरी, उरांग तथा माजुली जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देशों में भारत का स्थान है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। दोस्तों हाल ही में सिपरी ने, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है, प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ष 2020 में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सर्वाधिक सैन्य पर व्यय करने वाले देशों की सूची है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है चीन ने और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा, इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ है तीसरा। पहली बार एशिया के दो देशों को टॉप तीन में शामिल किया गया है इस लिस्ट में। चौथा स्थान प्राप्त किया है रूस ने और लास्ट स्थान प्राप्त किया है सऊदी अरेबिया ने। बात करें तो अमेरिका ने अपने सैन्य व्यय पे खर्च किया है 732 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 261 बिलियन डॉलर खर्च करने के साथ दूसरे स्थान पर है चीन, और भारत ने 71.1 बिलियन सैन्य व्यय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उसके लिए उन्हें ₹11 पर मास्क पे किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में नए सीएम निर्वाचित हुए हैं श्री शिवराज सिंह चौहान और ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश से बात करें दोस्तों तो भीमबेटिका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो कान्हा, पन्ना, पेच, बांधवगढ़ तथा सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश, ट्राइबल स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों गोंड, बैगा, भील, सहारिया, भारिया जैसे प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस उद्योग को 6 माह के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, बीमा क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र और बैंकिंग क्षेत्र। हाल ही में भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को 6 माह के लिए सार्वजनिक उपयोगिता एसेंशियल सर्विसेज के रूप में घोषित किया है। इस दौरान कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर नहीं जा सकते, ऐसा भारत सरकार की अधिघोषणा से बैंकिंग क्षेत्र को सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्र के रूप में 6 महीने के लिए घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने तकनीकी सहायता हेतु सॉफ्टवेयर कंपनी HCL के साथ समझौता किया? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कोविड 19 के मद्देनजर तमिलनाडु राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन विश्लेषण केंद्र स्थापित किया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, और इस हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेगी सॉफ्टवेयर कंपनी HCL।
भारत की सॉफ्टवेयर की अग्रणी कंपनी है HCL। HCL की बात करें तो इसकी स्थापना है दोस्तों वर्ष 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। इसके फाउंडर रहे हैं शिव नाडार, वर्तमान में चेयरमैन भी हैं शिव नाडार। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने HCL के साथ समझौता किया। तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। CM है श्री के पलानी सामी। गवर्नर है श्री बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में दोस्तों प्रसिद्ध चोल मंदिर तथा महाबलीपुरम के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। तमिलनाडु में गुंडी, मन्नार की खाड़ी तथा इंदिरा गांधी जैसी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आइडिया वोडाफोन ने किस कंपनी के साथ मिलकर रिचार्ज साथी योजना लॉन्च की है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और फ्री चार्ज। देश की अग्रणी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने विगत कुछ वर्षों पहले आइडिया का वोडाफोन के साथ विलय हो गया था और अब आइडिया वोडाफोन जो कि देश की अग्रणी टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी है ने लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए एक विशेष रिचार्ज साथी स्कीम लॉन्च की है और इसके लिए पेटीएम के साथ समझौता किया गया। पेटीएम की बात करें दोस्तों तो पेटीएम की स्थापना हुई वर्ष 2010 में। हेडक्वार्टर है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, फाउंडर मेंबर है विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में वाइटल नामक वेंटिलेटर किस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, इसरो, नासा, DRDO और बार्क। दोस्तों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने COVID-19 के मद्देनजर वाइटल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। वाइटल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। ये वेंटिलेटर इंटरवेंशंस टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली ये वेंटिलेटर विकसित किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई वर्ष 1958 में और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों Washington DC। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसी है इसरो। इसकी स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1969 में। वर्तमान में चेयरमैन है के सिवान और इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई वर्ष 1958 में। जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हेडक्वार्टर दोस्तों बॉम्बे में, स्थापना हुई वर्ष 1954 में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है श्री AK मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने विलोकना नामक सर्च इंजन विकसित किया है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, IISc बैंगलोर, IIT मद्रास, IITM केरल और IIT खड़गपुर। दोस्तों हाल ही में IIITM केरल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला ने शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में गहन जानकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विलोकना नामक सर्च इंजन विकसित किया है। ये विकसित किया दोस्तों IIITM केरल ने। IIITM एस्टेब्लिश हुआ दोस्तों वर्ष 2000 में और ये स्थित है दोस्तों केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों विलोकना
बिलोकना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों फाइंडिंग आउट, ये एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर सना मीर ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश की है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। जानी मानी क्रिकेटर और पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेट कप्तान सना मीर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी, इसलिए इसका प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी दोस्तों इस्लामाबाद, यहाँ पे सीएम है श्री इमरान खान। किस पार्टी है इनका नाम है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉनी रॉय का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन दिए गए दोस्तों खेल, अभिनय, पत्रकारिता और शिक्षा। जाने माने फोटो जर्नलिस्ट रॉनी रॉय का हाल ही में निधन हो गया, यानी उनका संबंध हुआ दोस्तों पत्रकारिता से। प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह 2020 की थीम है। ऑप्शन दिए गए दोस्तों जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल, लेट्स फाइट विद कोरोना और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में प्रतिवर्ष विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह वीक मनाया जाता है और इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता के अभियान के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम रखी गई, विषय वस्तु रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। दोस्तों जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, अभी हाल ही में 24 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया, उसके लिए जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी थीम रखी गई थी। दोस्तों आप डेली करंट अफेयर की पीडीएफ नीचे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव देना ना भूलें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियोस अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।